आप सभी को मेरे इस चैनल की ओर से जय धर्म जोहार। मैं आज आप लोगों के सामने कुडुख भाषा तोरंग सिक्की को सिखाने जा रहा हूँ। उसका उच्चारण कैसे करना है वो सब सिखाने वाला हूँ। तो पहले आइए हम कुडुख भाषा क्या है उससे बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो कुडुख भाषा कुडुख जनजाति या उरांव जनजाति का भाषा है और ये कुडुख भाषा द्राविडियन रेस से आता है। तो कुडुख भाषा तमिल तेलुगु कन्नड़ तोलोंग सिक्की ये एक स्क्रिप्ट है जिसको डॉक्टर नारायण उरांव ने बनाया है। ये 1999 में बनाया और इसको हमारे बीच लाया। इसके बाद तोलोंग सिक्की को बढ़ाने के लिए आगे ले जाने के लिए वो बहुत मेहनत किया और हमारे बीच आया KLSI कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो तोलोंग सिक्की के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपके नीचे लिंक दूंगा, उसमें जाके देखिए, उसको पढ़िए ताकि उसको अच्छा से पहचान सके और उसके बारे में अच्छा से जान सके। तो आइए हम शुरू करते हैं तोलोंग सिक्की सीखने के लिए। तो पहले आज मैं आप लोगों को सिर्फ स्वर वर्ण, जैसे कि हिंदी में स्वर वर्ण आता है वैसा ही कुडुख में ताल तोड़ बोलता है, ताल तोड़ आप लोगों को सिखाएंगे। तो आइए, और दोस्तों जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप जो भी हम सिखाएंगे उसको नोट कर सके। तो आइए, यह है ई, इसका उच्चारण है ई, जैसे कि हिंदी में ई। और अंग्रेजी में ये आई ई, इसका उच्चारण भी ई होगा कुडुख लिखने के लिए। और असमीस या बंगाली में ये आएगा ई, जैसे कि ई से ईमा ये आएगा। इसके बाद आएगा ई के बाद आएगा आपका ए, ए जैसे कि हिंदी में ए। और इंग्लिश में कौन सा शब्द लिखेगा, कौन सा अक्षर, ई, ई को ए के जैसा उच्चारण होगा। और आसामीस या बंगाली में ये होगा ए। तो इसके बाद आएगा आपका ए, ए के बाद उ, उ, उ जैसे हिंदी में उ। उसके बाद इंग्लिश में यू, यू को उ उच्चारण करेगा। और असमीस में आपका असमीस या बंगाली दोनों एक ही होता है, तो इसका उच्चारण यह होगा। ये आपका हिंदी, ये आपका रोमन है, रोमन इंग्लिश, और ये है आपका आसामीस या बंगाली, दोनों में आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए,
ये है उ, उसके बाद आएगा ओ, ओ ये है आपका हिंदी में ओ, ये आएगा और अंग्रेजी में इस ओ और असमीस में असमीस या बंगाली ये आएगा ओ। तो इसके बाद आपका आएगा आ, एक छोटा वाला आ और एक आता है बड़ा वाला आ, ये आएगा ये। तो ये छोटा आ, ये बड़ा आ, तो इसके साथ हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में आएगा ये और इसका बड़ा वाला आ, लंबा आ। और इंग्लिश में लिखेगा तो ये छोटा वाला है तो सिंगल ए और ये बड़ा वाला है तो डबल ए, अथवा ये भी लिख सकता है तो ये बड़ा वाला भी हो सकता, लिख सकता है। तो असमिस में दोनों एक ही आएगा आ और इसका भी आ, ये बड़ा है इसलिए इसको ये देना पड़ेगा आ, जैसे कि। तो आए इसको हम फिर से देखेंगे, ये है आपका ई, ए, उ, ओ, छोटा आ और बड़ा आ, आ आ, इसको हिंदी में ई, ए, उ, ओ, आ और ये आ, असमिस में ई, ए, उ, ओ, आ और ये आ। इंग्लिश में ई, ए, उ, ओ, आ, आ, ऐसा। तो आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और बराबर प्रैक्टिस करते जाइए। तो आइए हम लोग ये स्वर्ण वर्ण का छोटी ध्वनि और लंबी ध्वनि के बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि ये हिंदी है और ये असमीस या बंगाली, ये असमीस में, तो इसमें आ हिंदी के लिए आ ए आएगा, लेकिन असमीस ओ के लिए ये आएगा। तो हिंदी का उच्चारण आ, जैसे कि ये छोटा आ है और असमीस में ओ, तो इसके लिए ये आएगा हिंदी के लिए ये और ओ के लिए असमीस में ये आएगा। और उसके बाद असमीस या हिंदी में दोनों में ये आएगा बड़ा वाला आ, इसको इंग्लिश में आ आ ये भी लिख सकता है और उसके बाद ये भी लिख सकता है। और उसके बाद आपका छोटा ई के लिए ये आएगा दोनों के लिए, ई कर हर्षी कर और दोनों के लिए यही आएगा। उसके बाद ये दीर्घी कर, असमिस में दीर्घी कर ये ई कर, ये लंबा होगा तो दोनों लंबा होता है तो इसके लिए ई ये लिखेंगे, जैसे कि इंग्लिश में ई, तो ये लंबा होगा
तो उसके बाद ऊ कर, छोटा ऊ, ऊ कर, हर्षु कर, ये असमिस में हर्षु कर, तो इसको ये आएगा। और लंबा वाला में दीर्घु कर और ऊ कर, उसके लिए ये आएगा, ये है तोलंग सिक्की में। तो इसको इंग्लिश में ये भी लिख सकता है, और इसको सिर्फ यू इंग्लिश में। उसके बाद ये है री, री कर, इसके लिए ये है तोलंग सिक्की में रा। तो इसको इसको शब्द में मिलाना पड़ता है, उसको बाद में हम लोग सीखेंगे। तो उसके बाद आएगा ए कर, ये यही होगा कुड़ुख में, तोलंग सिक्की में। तो इसका ए, और ये ओई, ओई इसका अलग होगा, ओ और ई, ओई कर। तो ये तोलंग सिक्की में दो दो अक्षर मिलके होता है, दो अल्फाबेट्स का। तो ये होगा ओ, ओई। और इसके बाद ओ में ये आएगा ओ, और आउ, आउ के लिए अलग होगा आ और ऊ, ये होगा आउ, ओ ए ओ आउ। और इसका ओई, ये भी लिख सकता है, और ओ आई भी लिख सकता है। तो इसी तरह आता है तोलोंग सिक्की के लिए। वैसे कि हम लोग आसामीस या बंगाली को डायरेक्टली, या आसामीस या बंगाली से स्क्रिप्ट से कुड़ुक लिखेंगे तो इसी तरह लिखना होता है। जैसे कि नालाक, नालाक, नालाक का मतलब है वर्क। तो नालाक, जैसे कि इसको तोलंग सिक्की में लिखेगा तो नालाक या नालाक, और असमीस में या लिखेंगे तो अगर इसी तरह लिखेंगे, जैसे कि नो लो और खो, तो ये क्या हो जाएगा, नलोक। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको आकार के साथ लिखना है, नालक ऐसा लिखना है असमिस में, तभी ये शुद्ध कुड़ुक शब्द होगा। तो इसी तरह और कुछ भी बाकी है तोलंग सिक्की में समझाने के लिए, जानने के लिए, तो उसको देख लीजिए। जैसे कि ए कहाँ है, ये है ए, तो छोटा ए हो गया। तो लंबा ए के लिए क्या करना है, ए ये होगा लंबा, और उसको लंबी ध्वनि बोलती है, बोलते हैं लंबी ध्वनि। तो इसका हिंदी में ये होगा ये, और ए कार के साथ ये होगा असमिस में। जैसे कि को लगाने से ऐसा होगा। और उसके बाद साथ में और है, ओ का भी लंबा लंबी ध्वनि नहीं है, तो उसका भी बनाना है ओ, जैसे कि ओ। तो इंग्लिश और हिंदी में ये होगा, और असमिस में आपका जैसे कि ये देना पड़ेगा असमिस में को, असमिस में या बंगाली, दोनों एक ही है।
ऐसा होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छा से लिखिए, ताकि आप लोग फिर से दोबारा पढ़ के अच्छा से जान सकेंगे। अगर किसी को इसमें कोई भूल या समझ में नहीं आता है तो आप लोग कृपया कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको उसको फिर से और समझा सकेंगे, ताकि आप अच्छा से समझ जाएंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी देख सके और वो भी सीख सके। तो आज के लिए इतना ही है, कल या परसों फिर से हम वीडियो अपलोड करेंगे। वो वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।